कितने होंगे देखिए फ्रंट पेज के लिए 38 तो अभी छुट्टी हुई है, दोपहर के 2:15 हो रहे हैं और बस अभी मैं जा रहा हूँ वापस। इसके लिए मैं यहाँ की मार्केट में जाऊँगा, वहाँ पे बस स्टॉप से बस पकड़ूँगा और फिर जाऊँगा वापस घर। बहुत ज़्यादा थक गया यार। कहाँ पे है पहुंच गया अपने सेक्टर की मार्केट में और अब यहाँ से मैं जाऊंगा घर। बस यहाँ से 2 मिनट का रास्ता है तो यहाँ पे एक्टिवा खड़ा देता हूँ, यहाँ से जाऊंगा घर। तो अभी बैक होम एंड अब जाके थोड़ी शांति मिली, थोड़ा चेंज करा और बैठा, अब थोड़ी सी शांति मिली। बहुत ज़्यादा थक गया आज मैं सीरियसली। अभी क्या टाइम हो रहा है, अभी 3:15 हो चुके हैं और बहुत ज़्यादा थक गया। एक्चुअली जब लास्ट टाइम मैं स्कूल गया था उसका भी अगर आपने व्लॉग देखा होगा 2-3 वीडियोस पहले, तो वो मेरा 1 बजे के आसपास ख़त्म होता था, अब उन्होंने सीधा टाइम 2:15 कर दिया तो 1 घंटा बढ़ चुका, इसलिए मेरे को पता नहीं था वो चीज़। तो वो फिर आज बहुत ज़्यादा थक गया मैं। तो अभी मैं बैठा हूँ, थोड़ा सा खाया था, ज़्यादा कुछ नहीं खाया, भूख नहीं लग रही थी। और अब मैं अभी पिछली वाली वीडियो एडिट करूँगा, जो अपनी लास्ट वाली वीडियो देखी होगी, नहीं देखी तो जाके देख लो। और अभी उसको एडिट करूँगा, फिर उसके बाद जाऊँगा जिम। एडिट करने में मेरे को ज़्यादा टाइम लगता नहीं है, वो सिंपल ही होता है, तो आधे घंटे मतलब 1 घंटे के अंदर अंदर सारा काम हो जाएगा, अपलोड वगैरह सब कुछ 1 घंटे के अंदर अंदर हो जाता है मेरा। तो डन विद द एडिटिंग। सीरियसली 1.5 घंटे से भी ऊपर लग गया हमको एडिट करने में, और मेरा जिम जाना भी उस वजह से मिस हो गया अभी, बिकॉज यूजली मैं 4:30 जाता हूँ, अब तो ऑलरेडी 6 बज चुके हैं। तो मैं कोई बात नहीं, अब जाऊँगा, पूरा बाहर अंधेरा हो चुका है, तो थोड़ी देर में जाऊंगा जिम। अभी पहले तो मैं थोड़ा कुछ खाऊंगा, बिकॉज बहुत ज़्यादा भूख लग रही है। कितनी देर के लिए करूँगा मैं? आगे ना, मनसा नहीं था, कुछ खाया नहीं, अभी ये खा रहा हूँ। आप आराम से आके देख ले, मैं आपको आज शाम को ही बता दूंगा। मैं सुबह फिर आपको कॉल करता हूँ। तो अभी मैं अपने लिए ऐसी एक जैकेट लेके आया था, और बेसिकली मेरा और पापा का साइज़ ऑलमोस्ट सेम है, मेरे को थोड़ा सा लूज़ आता है और पापा को पूरा फिट आता है, तो हम ऐसे शेयर करके पहन लेते हैं। और जहाँ से सेक्टर में हम गए थे वो पूरे पंचकूला का सबसे ज़्यादा रश वाला सेक्टर है, इसलिए हम फिर वहाँ पे एक्टिवा पे ही गए थे, और इतना ज़्यादा ट्रैफिक होता है ना वहाँ पे सीरियसली, तो वो मतलब पूरी मार्केट में बहुत ज़्यादा रश होता है, तो इसलिए फिर हम एक्टिवा पे जाते हैं, वहाँ पे जब जाते हैं। और अब मैं जा रहा हूँ जिम,
अभी रात के क्या 7:20 हो चुके हैं, तो मैं जिम जा रहा हूँ, फटाफट जिम चलते हैं। बाहर ठंड भी बहुत ज़्यादा हो चुकी है, अभी हम आए पता चला कि बहुत ज़्यादा ठंड हो चुकी है। तो यार ठंड से भी आजकल थोड़ा बच के रहो आप भी, और मैं भी रह रहा हूँ, क्योंकि अगर तबीयत ख़राब हो जाए तो बिल्कुल अच्छा नहीं लगता। तो मैं पहुँच गया जिम, और ये कांड देखो भाई, ये जो कांड कर रहा है ना, इस पर इतना ज़्यादा गुस्सा आ रहा है, अब इसको साफ करना पड़ेगा। क्या बीटी है यार। तो मैकडोनल्ड्स जाएं या जिम जाएं? मैकडोनल्ड्स या जिम, चलो जिम ही चल लेते हैं यार। तो आज मंडे है और कल संडे था, तो कल जिम बंद था, और अभी बस एक दिन ही मिस हुआ है जिम, और ऐसा लग रहा है कि पता नहीं कितने टाइम बाद जिम आ रहा हूँ। तो ऐसे यार मतलब ना जिम से ऐसा प्यार हो चुका है कि एक भी दिन मैंने मिस नहीं करा, और बहुत खुश होता हूँ जब मैं जिम करता हूँ। जब यहाँ स्टेट से ऊपर जा रहा होता हूँ, बहुत ज़्यादा अलग लेवल की खुशी आती है, तो वो बहुत अच्छा लगता है। सांस चढ़ गया पता नहीं क्यों, और उस ऊपर जा रहा हूँ, जिम जाने में पता नहीं बहुत खुशी सी फील हो रही है, हमेशा होती है। आज कुछ ज़्यादा ही हो जाए, और आज शोल्डर है, आज शोल्डर्स करेंगे। ज़्यादा थक गया, अभी बस एक चीज़ और बची है, इसमें फटाफट घर जाना है, और 8:30 हो गए हैं, तो क्या कहते लेट भी बहुत ज़्यादा हो गया, बाहर अंधेरा है क्योंकि, तो लेट भी बहुत ज़्यादा हो गया, फटाफट घर जाना, बस 10 मिनट का और बचा है। ओके, तो अभी मैं जिम से जाने लगा था, और जो मेरा लेफ्ट वाला फुट है ना, उसकी सबसे छोटी वाली उंगली में के नेल में बहुत ज़्यादा दर्द हो रहा है, पता नहीं क्यों, आई थिंक टूट गया, या फिर शायद साल मैंने नई सॉक्स ला दी है, इसलिए उसकी वजह से वो थोड़ी टाइट है, तो हो रहा है, या फिर वो वैसे भी थोड़ा बड़ा हो चुका है, तो हो रहा है, तो बहुत ज़्यादा दर्द दे रहा है। आई होप टूटा ना हो, अभी घर जाकर फटाफट उसको देखूँगा, बहुत ज़्यादा दर्द कर रहा है अभी, मतलब जैसे जैसे मैं स्टेप रख रहा हूँ फ्लोर पे, तो बहुत ज़्यादा दर्द कर रहा है वो, तो वो जाके भी देखना पड़ेगा कि क्या हुआ। कि अभी मैं जिम से घर जा रहा हूँ, और बहुत ज़्यादा ठंड है भाई बाहर। तो भाई अभी हो रहे हैं रात के कुछ 12:20 के आसपास, और पैर में अभी भी थोड़ा सा वो नाखून में दर्द हो रहा है, पता नहीं क्यों, और जो मैंने आज जैकेट खरीदी थी वो आपको मैं एक मिनट पहन के दिखाता हूँ। ओके, तो मैं अभी कुछ ट्रांजिशन करने की सोच रहा हूँ, तो लेट से अगर पॉसिबल हो पाता है, कुछ इस तरह की है, इस तरह की लगी है ये जैकेट, काफ़ी अच्छी है, एक तरह से विंड शीटर का काम करती है, और भाई देखा, आई विल बी वेरी ऑनेस्ट, ये असली एडिडास की नहीं है, बेसिकली यहाँ पे बहुत ज़्यादा फेमस दुकान है फॉर स्पोर्ट्स का, जितना भी सामान होता है, यू नो बैट्स, क्रिकेट का सामान, बैडमिंटन का, हर एक स्पोर्ट्स का सामान वहाँ मिलता है, तो वहीं से मैंने ये अपर खरीदा, वहाँ पे ऐसे जॉगर्स और अपर्स वगैरह भी मिल जाते हैं, तो वहाँ से मैंने ये खरीदी है, और दिस कॉस्टेड मी 800 रुपीज़। और भाई देखो, अब मैं कुछ शो ऑफ नहीं करूँगा कि मैंने बिल्कुल ओरिजिनल खरीदी है एडिडास की, या ऐसा कुछ, जो है वो रियल है, ना ही कभी फेक करूँगा, और ना ही कुछ बेफालतू का शो ऑफ करूँगा, तो इस तरह की ये काफ़ी अच्छी फिटिंग है। और अब इसका देखो ये फ़ायदा है कि मैंने ये 800 रुपीज़ की खरीदी है, अगर मैं यही कहीं अगर ऐसी आई डोंट नो अगर एडिडास की आती है, बट अगर इसी तरह की एडिडास की आती भी होती तो वो 6-7 हज़ार से कम की तो बिल्कुल भी ना आती, अभी 800 की है। अगर मेरा एक विंटर सीजन भी चल गया, उसके बाद लेट्स से कि ये अगले साल नहीं भी आई, मुझे साइज़ फिट नहीं हुआ या कुछ भी है, तो इतना दुख भी नहीं होएगा,
ठीक है, तो अभी अगर ये इस सीजन सर्दियों में पहन ली मैंने, अभी 2-3 महीने बड़े हैं, तो मतलब पैसा वसूल है और काफ़ी अच्छी है। ठीक है, थोड़े घर वगैरह पे पहनने के लिए, बाहर भी पहन सकते हैं, और मेरे को मेरे ऊपर काफ़ी ज़्यादा अच्छी तरह सूट कर रही है, तो इसलिए फिर मैंने दे दी। जैसे मैंने पहले बताया था कि अब मेरा और मेरे पापा का साइज ऑलमोस्ट सेम हो गया, ऑलमोस्ट, तो फिर वो भी पहन लेते हैं, तो हम ऐसे उसको शेयर करके पहनते रहते हैं। कुछ कुछ कपड़े वैसे हैं जो हम शेयर कर लेते हैं, और शूज़ तो बहुत टाइम से हम दोनों का साइज सेम है, तो हम शेयर करते रहते हैं शूज़। तो गाइस, इसी के साथ आज की इस वीडियो को यहीं पे ख़त्म करते हैं। आई होप आपको वीडियो पसंद आई होगी, अगर पसंद आई तो प्लीज़ लाइक कर देना, नहीं पसंद आई तो कोई बात नहीं डिसलाइक कर देना, कमेंट करके बता देना, कुछ भी कमेंट प्यारा सा कर देना, सब्सक्राइब कर देना प्लीज़ चैनल को, उससे मुझे बहुत ज़्यादा मोटिवेशन मिलती है, बहुत ज़्यादा खुशी मिलती है। मैं मिलता हूँ आपसे नेक्स्ट वीडियो में, टिल देन बाय बाय, टेक केयर, हैव फन, स्टे सेफ और बस खुश रहो। बाय बाय, मैं मिलता हूँ आपसे नेक्स्ट वीडियो में, और आप मुझे इंस्टाग्राम पर भी फॉलो कर सकते हो, यहाँ पे आईडी आ रही होगी रितुल शर्मा एक्स। तो अभी मैं आउटरो वगैरह अभी शूट कर चुका हूँ, बट मैं इस क्लिप को बीच में कहीं तो डाल दूंगा। मैं बस ये कहना चाहता हूँ कि जब मैंने अपनी ये वीडियो मतलब ब्लॉगिंग करना शुरू करा था यूट्यूब पे, तो कुछ और दिमाग में सोच के शुरू करा था, बट अब आई कैन अंडरस्टैंड वन थिंग कि मुझे ये वीडियोस बनाने में इतना ज़्यादा मज़ा आ रहा है, इतनी ज़्यादा खुशी मिल रही है, मतलब आई एम जस्ट लिविंग माई नॉर्मल लाइफ जो मैं हर दिन वैसे भी जीता, उसको ऐसे पकड़ कर फ़ोन को शूट कर रहा हूँ, और रात में 1-2 घंटे निकाल के कभी बस उसे एडिट करके अपलोड करने हैं। एंड चाहे व्यूज़ अभी कम आ रहे हैं, आई होप जैसे जैसे आप सपोर्ट करोगे बढ़ जाएंगे, बट मुझे इतनी ज़्यादा खुशी मिल रही है कि मैं आपको बता नहीं सकता। आई जस्ट कांट एक्सप्लेन दैट फीलिंग, बट आई एम जस्ट लिविंग अ वेरी नाइस लाइफ, मैं बहुत ज़्यादा खुश फील कर रहा हूँ। एंड यार, बस यही कहना था हमको।